हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। और सुबह के बज रहे हैं 10 और अब मैं अभी कुछ नहीं की। और बताइए, आप लोगों ने चाय नाश्ता कुछ किया कि नहीं? और अभी पता नहीं, मेरे रात में मेरे आँख में किसी ने नहीं, मतलब किसी कीड़े ने काट लिया यहाँ पे, तो दर्द हो रहा था। और अब मैं नहा के बैठी हूँ, मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेती हूँ। और बताइए, आप लोगों ने क्या क्या काम किया, क्या खाए, कहाँ कहाँ घूमने गए, और आपको आज का दिन कैसा लगा? और मुझे आज का दिन बहुत ही बुरा लगा था सुबह सुबह, क्योंकि ऐसा हुआ था कि जब सुबह मैं जगी थी तो लाइट नहीं थी, तो कुछ अच्छा नहीं लगा। यहाँ से बार बार गेट से अंदर, अंदर से गेट से अंदर, इस तरह करके बाहर अंदर करती रही। फिर बहुत मुश्किल में कम से कम एक घंटे बाद लाइट आई। जब लाइट आई तब थोड़ा सा सुकून मिला, जब थोड़ा पंखा चले। गर्मी बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ना उलझन ऐसे होने लगती है। और मुझे दिक्कत इसलिए ज़्यादा होती है कि हो सकता है मैं दवा खाती रहती हूँ, इसलिए जो भी हो पता नहीं, पर गर्मी भी ज़रा सा भी बर्दाश्त कर पाती। ऐसा लगता है कि कभी गर्मी में नींद पूरी ही नहीं होती। ऐसी कोई रात नहीं होती कि सुबह उठ के ऐसा लगे कि हाँ आज हमने बहुत, मतलब बहुत बहुत सोए, ऐसा कभी नहीं लगता। और आज बच्चे स्कूल चले गए हैं, सुबह मैंने बनाया था आलू बच्चे को ले लिए, वो नहीं लेके गया। क्या कारण था मुझे नहीं पता, बोला मैं नहीं लेके जाऊँगा। और आलू को मैंने पराठा सब्जी बना के दिया। और देखती हूँ स्कूल पर कौन सी सब्जी रखी है, शायद चचिवड़ा है। चचिवड़ा आप लोग जानते होंगे, जो हरे हरे लंबे लंबे से होते हैं। और हमारे गांव में मेरी मम्मी लोग बरसात के टाइम में पहले बो लेते थे, और बरसात के टाइम में वो धोने लगते थे, क्योंकि मुझे याद है बरसात के टाइम उनकी सब्जी बनती थी। और उसकी सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है। घर के चचिवड़ा बनाऊँगी, और दाल रोटी चावल चचिवड़ा खाना जब बच्चे आ जाएंगे। और अगर आप सभी लोगों को खाना है तो प्लीज आ जाइए और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करिए जिसको जिसको खाना है। आज मुझे और भी कुछ खाना है, और जाऊँगी अगर जूस लेने तो वहाँ से लेके आऊँगी। आज मैं ठंडी ठंडी बैठ के खाऊँगी और खाने के लिए फ्रिज में रखूँगी। अंश को देंगी पैसे, और उसको मन होगा जो खाने का वो खाए, क्योंकि उसके मन का मैं नहीं जानती, तो मुझे नहीं पता रहता उसको क्या खाना है। पर मेरा मन आज आइसक्रीम खाने का हो रहा है, तो आज हम खाएँगे आइसक्रीम। मजा आ जाएगी, मतलब सोच के ऐसा लग रहा है खाने के बाद कैसा लगेगा, अच्छा ही लगेगा, क्योंकि आइसक्रीम गर्मी ऊपर से ठंडी चीज़ बहुत अच्छा लगता है। आराम, अभी तो मैंने खाया ही नहीं है, जो काम कैसे हो गई, फिर भी हम खाएंगे आइसक्रीम। और दोपहर में खाएंगे दाल चावल चचिंदे की सब्जी रोटी। और दोपहर के बाद, मतलब खाने के बाद कोशिश करेंगे आइसक्रीम की या पहले। तो आज सुबह से ही मैंने सपने में, सुबह से ही नहीं, मैंने सपने में देखा था कि मैं आइसक्रीम खा रही हूँ, तो सुबह से मैंने सोचा अरे लगता है कि आज आइसक्रीम खाना पड़ेगा।
तो मैंने सोचा चलो आज आइसक्रीम भी खा लेते हैं। और कल मैंने वीडियो बनाया था कि याद नहीं आया, कुछ पता नहीं, मैंने वीडियो बनाया था खाने आने को लेकर कि मैं खाऊंगी तो याद नहीं आ रहा है। तो उस वीडियो को तो मैंने सोचा कि क्या बाहर जाने का, खाना खाने का मन कर रहा है क्या मेरा, तो मैंने सोचा नहीं घर में खाना खाओ खुद बना के। मन ना खाना नहीं बनाना चाहता, समझ गए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इसलिए खाना बनाने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कोई बना दे खाना खा ले चुप जाए। और बढ़िया एसी कूलर में बढ़िया आराम से लेते हैं बस, गर्मी में ऐसा लगता है। और जब ठंडी होती है तो बर्तन धुलने में इतने बर्तन हो जाएंगे, इतने बर्तन पर एक तरफ देखो बर्तन की तरफ तो अजय लगेगा काश पानी ना छोड़ना पड़े। तो ये रहे मौसम के हालचाल और कुछ रहे हमारे हालचाल। और आज अभी तक मैंने कुछ बोलने के लिए नहीं सोचा, अक्सर मैं ही ज़्यादा बोलती हूँ, आप लोग तो कुछ बोलते ही नहीं हैं, मतलब कि कमेंट भी नहीं करते। और आज हम जाएंगे तीसरी बार कहीं घूमने, वो भी शाम को। तो जब अगर घूमने जाएंगे तो फिर मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि हम कहाँ घूमने जा रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो वीडियो बड़ा हो रहा है, मतलब मन नहीं है मेरा ज़्यादा और कुछ बोलने का, तो मैं क्या करूँ। तो मैं सोचती हूँ करते हैं आपसे बाय बाय और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।